न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। पल्स ऑफ इंडिया, जनता की नब्ज़ को टटोलने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश की अहम संसदीय सीट बनारस। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। 2014 में भी उन्होंने यहीं से चुनाव जीता था और इसके बाद से लगातार दावे बनारस को क्योटो से लेकर तमाम विकासशील राजधानियों से इसकी तुलना की गई और बताया गया कि जो मिसाल यहाँ पेश की जा रही है विकास की, वैसी कहीं नहीं है। सवाल ये है कि जो विकास किया गया और ख़ास तौर से जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों घर, सैकड़ों मंदिर उजाड़े गए, क्या वह एक चुनावी मुद्दा है? यहाँ पे जो गरीब गुरबा है उसको जो रोज़गार के अवसर मिलने थे, क्या वह एक मुद्दा है? इसको लेकर हमने रुख किया बनारस की अनेक गलियों में। लेकर आप काम कर रही हैं, क्या समस्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या मैम तो इन लोगों की यही है कि इन लोगों के पास घर नहीं है रहने को। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की यही है, घर नहीं है, रोज़गार नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है और सब सड़क के किनारे रहते हैं, बाहर सोते हैं, बच्चों को लेकर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, इतना वो कमाते हैं इतना कि क्या खाएं, क्या बच्चों को पढ़ाएं। क्या काम करते हैं ये लोग? सफाई का काम करते हैं। घर क्यों नहीं है? घर तोड़ दिया गया सब लोग बता रहे थे। हाँ, कच्चे मकान यहाँ पे हैं, सब सड़क के किनारे में रहते थे, लोगों के लिए रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं थी तो ये सब यहाँ पे कच्चे मकान बना के रहते थे। घर इसलिए तोड़ दिया जाता है कि इधर से कभी कोई सरकार या कुछ VIP वगैरह गुजरते हैं वो देखने में अच्छा रोड बद्दा ना लगे, इसलिए लोगों को हटा दिया जाता है। इन लोगों के जो ऐसे घर हैं उन लोगों को खराब लगते हैं। जी मैडम जी, धूप धूप में देखते रह रहे हैं, जब मोती आते हैं तब हटा देते हैं घर द्वार। हाँ, ये मोती आते हैं तो तोड़ देते हैं, बोलते हैं जाओ जाओ जाओ, हाँ भागो भागो, यहाँ बच्चे उनके रोड पे नजर मत आना, जाओ यहाँ से भागो, रोड पे नजर नहीं आना, रोड पे नजर मत आना, अपने बच्चे को लेके अंदर रहना, कॉलोनी के अंदर चले जाओ, तुम लोग उसी में छिपे रहना, उसी में रहना, बाहर मत आना। फिर चले जाते हैं तो फिर अपना हम लोग अपना मड़ई पेसता, फिर अपना पन्नी को निगिरा के हम लोग रहते हैं हम लोग। मोदी जी पिछली बार जब आए थे यहाँ से, आप लोगों ने चुना था तब उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे, घर देंगे, हाँ बोले थे चूल्हा मिलेगा, हाँ गैस का चूल्हा मिलेगा, कुछ नहीं मिला है मैम जी। हम लोग लकड़ी पे खाना पकाते हैं, गोरी पे खाना पकाते हैं, बताइए। यहाँ पे हम लोग का घर नहीं है कायदे का, लाइन बत्ती भी नहीं है, पानी का नहीं है, नहीं मिलता है, पानी कहाँ से लाती हैं? बहुत दूर से लाना पड़ता है। मोदी आते हैं जब टूट जाता है घर, हम लोग घाम में बैठे रहते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, धूप में, हाँ बच्चों को लेके वहाँ भी लाठी चार्ज करके भगा देते हैं वहाँ से भी, अब कहाँ जाए हम लोग। पहले तो ये सब घर बना था, हम लोग कच्चा घर मकान बना के थे, मोदी जब से भाई जब से हम लोग का तहस नहस हुआ है, कमाई है नहीं कि हम लोग जगह जमीन घर द्वार बनाएंगे, कहाँ से आएगा कमाई के हम लोग बनवाएंगे। हम लोगों को बच्चा नहीं पढ़ते, बच्चा नहीं पढ़ता है, आपके तो चार बच्चे हैं ना? हाँ, चारों में से कोई नहीं पढ़ता है। अच्छा टॉयलेट कहाँ है यहाँ पर? टॉयलेट भी नहीं है, वहाँ भी नहाने का, यहाँ पर हम टॉयलेट बनाए थे अपने घर के पास, यहाँ बनवाए थे तो यहाँ पर मोदी आए सब खनवा कोड़वा के सब सड़क बना रहे हैं। शौचालय में शौचालय में पैसा लेंगे, जल नहाने देते नहीं है जल। अरे शौचालय में पैसा लेते हैं? हाँ। कितने पैसा लेते हैं? 5 रुपया नहाने के लिए, 10 रुपया लेते हैं, कपड़ा नहीं धोने देते हैं, नहाने के लिए 10 रुपये? हाँ, हम लोग झगड़ा नहाने बदे गर्मी के दिन है, साँच के जाएंगे नहाने बदे के बच्चा के लेके तो क्या कहेंगे ना, झगड़ा को एकदम बंद कर देंगे आपको, 16 नंबर के फोन बुला कर तुम लोग का हस्बैंड का पकड़वा देंगे। पानी कहाँ से लाती है? पानी बहुत दूर से लाते हैं, सब लोग लाते हैं उधर से, बहुत जहाँ सब लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चापाकल भी नहीं है, नहीं इधर में नहीं है, अंदर है उधर, बहुत दूर है यहाँ पे चापाकल, सब बहुत दूर है। साइकिल से बोलो, साइकिल से लाना पड़ता है पानी, कपार हो गया, 3-4 दिन हो जाता है नहाने के लिए। ये है मोदी का विकास बनारस में, डोम बस्ती सफाई कर्मचारी जो यहाँ रहते हैं उनको रहने के लिए जगह तो छोड़िए, जिस जगह पे वो रहते हैं वह भी छीनने के लिए मोदी तैयार हैं। यहाँ के लोग बहुत आतंकित हैं कि किसी भी सूरत में मोदी अगर बनारस में ना आए, यहाँ दौरा ना पड़े, तो कम से कम जो भी टूटा फूटा घर वो बनाते हैं, कंबल और तारपीन जो बिछाते हैं, वह तो बचा रह जाए। बनारस के मुद्दों में हम लोग तो सीधे सीधे जो देख रहे हैं,
खेती का, किसानी का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा, उसमें छोटे छोटे काश्तकार ज़्यादा हैं जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उनका मुद्दा ये है कि हमें यहाँ पर जो छुट्टा पशु हैं, इन्होंने स्लॉटर हाउस सारे बंद करा दिए, सरकारी स्लॉटर हाउस बना रहे हैं इसलिए बंद करा दिए, लेकिन परसेप्शन ये बनाया गया कि ये गोहत्या से बचा रहे हैं बनारस को। अब नतीजा क्या हुआ कि छुट्टा पशुओं से सारी खेती बर्बाद है, ये एक बड़ा मुद्दा है ग्रामीण बनारस में। देखिए, देश का भी मुद्दा जो है वही बनारस का मुद्दा कह सकते हैं कि इन्होंने जो संस्थाओं को ख़त्म कर दिया है, जो इन्होंने हर जो भी हमारी संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि जो इलेक्शन कमीशन वो उन्हीं का काम कर रहा है, RBI हो चाहे प्लानिंग कमीशन हो चाहे आपका जुडिशरी भी, यहाँ तक कि उन्हीं से वो है, एक डर का जो माहौल बनाया है, डर का माहौल सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि माइनॉरिटी में बनाया, बल्कि वो सारे लोग जो सेकुलर हैं, जो एक संविधान पे विश्वास रखते हैं और जो एक लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, उनके अंदर उन्होंने डर पैदा किया है। उस डर का नतीजा ये है कि अगर आप बनारस में देखिए तो बनारस में इस वक्त माइनॉरिटी के लोग आपको बताएंगे नहीं कि किसको वोट कर रहे हैं, उनके अंदर इतना डर है कि अभी वो कुछ भी कहने से डरते हैं। देखिए, बुनियादी मुद्दा जो है वो तो गायब है, वो मन की बात और टीवी के चैनलों में और अखबार में और सोशल मीडिया पे, वो जो मेन मुद्दे हैं बनारस के 25,000 पटरी व्यवसायी जिनको 2014 का जो 2013 का जो पेंडिंग जोन एक्ट था उसका उल्लंघन करते हुए पूरा उसका उल्लंघन है। 25,000 पटरी व्यवसायियों का चिन्हीकरण करके अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया गया। बनारस में 200 स्लम बस्तियां हैं जिसमें से कम पिछले 5 साल में 3 दर्जन से ज़्यादा बस्तियां तोड़ी गई। रेलवे पटरी किनारे जो 70-80 साल से जो गरीब रहते थे, स्लम्स के सफाईकर्मी रहते थे, उनकी बस्तियां तोड़ दी गई। बुनकर स्लॉटर हाउस तमाम बनारस से उजाड़ दिए गए। लगभग 2,000 परिवार भूख के कगार पे आके खड़ा हो गया है। बुनकरी का सवाल पे एक इन्होंने हाथी दांत बना दिया है शहर के किनारे, केवल 100 पीस, और सारे बुनकर आज भी बिल्कुल दयनीय हालत में पड़े हुए हैं। और पिछले एक साल से जो हम लोगों ने देखा कि बनारस शहर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इसमें तकरीबन 17 स्कूल ऐसे थे, प्राथमिक विद्यालय सरकारी की बात कर रहा हूँ, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता वहाँ पे किसी को भी बैठने के लिए, मतलब वो कभी भी गिर सकता है। इस स्थिति में वहाँ पढ़ाई हो रही है और इस पे बात नहीं हो रही। और बनारस में ये जो चुनाव चल रहा है उसमें भी ये हमें देखने को मिला कि 89 लोगों के पर्चे नामांकन रद्द कर दिए गए, वो भी बेमतलब, कुछ कारण तो था ही नहीं और बिना वजह के नामांकन रद्द कर दिए गए। मुल्क डाइवर्सिटी और टॉलरेंस कर रहा है। आज के इलेक्शन में हमें लग रहा है कि ये सब सीमाएं टूट गई और हम इलेक्शन पूरा नफरत के आधार पर लड़ रहे हैं और बनारस उससे अछूता नहीं है। ये जो ताकतें सत्ता में मौजूदा दौर में हैं और फिर 2019 में सत्ता में आना चाहती हैं, इनकी बुनियाद ही नफरत पर है। कहने के लिए वाराणसी को क्योटो बनाया जा रहा था, वादे थे और विकास के नाम पे एक दो रोड बनी हुई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिसको कहा जाए कि नहीं वाराणसी का विकास हुआ है। वाराणसी का ऐसा विकास नहीं दिख रहा, ऐसा कोई विकास करोड़ों रुपए तो खर्च किए गए यहाँ पर, वो कहाँ हुए हैं ये स्वच्छ भारत और बाकी विकास नहीं, वो सारी चीज़ें देखिए कहा जाए कि मीडिया के जरिए अगर दिखाया जा रहा है तो बात अलग है। हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं और हम रोज़ समाज में ही फील्ड में ही रह रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बनारस की असली तस्वीर से हम वाबस्ता हुए, हमने देखा कि किस तरह से एक समुदाय को ठीक बनारस में सिरे से मिटाया जा रहा है, सिरे से हटाया जा रहा है, और ये समाज वो है जो सफाई कर्मचारी है, जो सफाई करता है, जो गटर में उतरता है, सड़क पे झाड़ू लगाता है, और आज उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, कम से कम एक हिस्से के पास, और वो हिस्सा लंबे समय से और कम से कम पिछले 5 सालों से लगातार दर बतर की ठोकरें खा रहा है। जैसे ही उसे मोदी के नाम का खौफ है, जैसे ही उसे पता चलता है कि मोदी आ रहे हैं या मोदी का कोई नुमाइंदा आ रहा है, इसका मतलब होता है कि उनके पास जो भी छोटा मोटा आशियाना है वो तोड़ फोड़ दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। इसी तरह से लंबी दास्तान है विश्वनाथ कॉरिडोर की, जिसे लेकर लंबे समय से यहाँ की जनता संघर्ष कर रही है। पोल्यूशन यहाँ बढ़ रहा है, जाम यहाँ बढ़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार और मोदी भक्तों का जो प्रचार प्रसार वाराणसी को लेकर है,
वह बढ़ता जा रहा है। वह कभी उसे क्योटो बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं जो सीवर में मौतें होती हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ से सांसद हैं वो एक खौफनाक चुप्पी लादे रहते हैं।